स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम की गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनेंगे। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। तो महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज उनके दौरे का दूसरा दिन और दूसरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और साथ ही गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो महंत अवैधनाथ की छठवीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरे का ये दूसरा दिन, जहां लोगों की तमाम समस्याओं को भी सुनेंगे, कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। तो सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे और साथ ही गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो महंत अवैधनाथ की छठवीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तमाम कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही जनता दरबार में तमाम लोगों की समस्याओं को भी सुनते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम और साथ ही आज उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। महंत अवैधनाथ की छठवीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। तो कई कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके। सुशील, क्या कुछ जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2 दिवसीय दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर आए हुए थे। कल तकरीबन जो है 10:30 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचे और सीधे सर्किट हाउस पहुंचे थे। वहां पे सबसे पहले उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की थी, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और उस बैठक के दौरान जो है उन्होंने तमाम उस बातों को बोला जिसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे विवाद भी छिड़ा हुआ था काफी दिनों से। उसके बाद से फिर वो सीधे जो है अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद जो है उसके बाद सीधे फिर जो है वो NHI के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और साफ तौर पर कड़े निर्देश भी दिए हैं। आवश्यक जो है निर्देश देने के बाद फिर से जो है पत्रकारों से मुखातिब हुए हैं और अब जितनी भी अभी तक COVID-19 को लेकर के सरकार ने पहल की थी या जो रेशियो था उसको उन्होंने गिनाया आंकड़ों के साथ। उसके बाद से फिर रात में जो 2:30 से 3 बजे के आसपास वो सीधे पहुँचे थे गोरखनाथ मंदिर और मंदिर पहुँचने के बाद वो जो दिग्विजय नाथ की 91वीं और महंत अवैधनाथ की 6वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया था। उसके बाद फिर वो रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने किया था और उसके बाद से फिर आज सुबह जो है फिर वो 10:30 बजे के आसपास का एक कार्यक्रम में उसी दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद से फिर ये माना जा रहा है कि तकरीबन 12:30 बजे के आसपास वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
बिल्कुल शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और जिसमें वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए भी नजर आएंगे। सुबह जनता दरबार में लोगों की तमाम समस्याओं को सुनेंगे और इसके बाद भी वो गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो महंत अवैद्यनाथ की छठवीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा दिन है उनके दौरे का, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन और साथ ही सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। तो दौरे का जो सिलसिला है वो कहा जा सकता है कि अब शुरू हो चुका है। हालांकि इसी कड़ी में कई कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत भी करेंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए भी रवाना होंगे। तो आज दूसरा दिन है उनके दौरे का, कई ऐसे कार्यक्रम हैं और साथ ही जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और लगभग 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज दूसरा दिन उनके दौरे का, कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे और इससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार उनका जो दौरा है वो देखने को मिल रहा है, जहां आज आम जनता से मुखातिब भी होंगे और उनकी तमाम समस्याओं को भी सुनेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज, तो लगभग 12:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को भी वो सुनते हुए नजर आएंगे और जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चलिए इसी बीच रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां सूबे के 690 गांव बाढ़ से प्रभावित है, यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। लगातार जो बारिश हो रही है जिसकी वजह से तमाम जो जिले हैं वो प्रभावित हुए। सूबे के 690 गांव प्रभावित हुए हैं। अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच बाढ़ प्रभावित है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बलिया, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर बाढ़ से प्रभावित है और प्रदेश में 373 बाढ़ शरणालय हैं। 784 जो है वो बाढ़ के ये बनाए गए हैं शरणालय और साथ ही यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का ये कहर है। आपको बता दें कि आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच बाढ़ प्रभावित और बलिया, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर में भी बाढ़ का जो कहर है वो दिखाई दे रहा है। 784 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और लगातार यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर भी बरकरार है। काफी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, लेकिन इसी कड़ी में तमाम कोशिशें भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है, जहां बलिया, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर बाढ़ प्रभावित हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी आने वाले दिनों में भी अभी बरसात हो सकती है और ऐसे में एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है क्योंकि यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह के 690 गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित है। अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच भी बाढ़ प्रभावित है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, लगातार यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है, किस तरीके की स्थिति और हालात फिलहाल बने हुए हैं?
देखिए बिल्कुल, बाढ़ की वजह से निश्चित रूप से लोगों की परेशानियां जो है बढ़ी ही हैं, क्योंकि इस समय जो तमाम नदियां थी, चाहे वो घाघरा, चाहे आमी, फिर चाहे वो राप्ती, इन तीनों में एक केवल घाघरा को छोड़ के बाकी जो है सब उतार पे थी, लेकिन परसों से जो है इन सभी नदियों में फिर से जल स्तर उसका बढ़ता नजर आ रहा है। और निश्चित रूप से यही वजह है कि महज मुख्यालय से 10 से 12 किलोमीटर दूर पे भी जो है तमाम ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरीके से महरूम हो चुके हैं और पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और सड़कें पूरी तरीके से पानी से जो है भरी हुई हैं, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। कई कई गांव पूरी तरीके से डूबे हुए हैं, लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर बंधों पर शरण लिए हुए हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से बाढ़ का जो कहर है, बाढ़ का जो तांडव है, वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और जो ग्रामीण है उनकी परेशानियां यहाँ में जो है बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा उनके लिए दिक्कत है जो पशुओं को लेकर के जो है वो शरण लिए हुए हैं कहीं बंधे पे या सुरक्षित स्थानों पर, और ऐसे में जब बारिश हो जाती है तो उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी होती है। दिन तो किसी तरह कटता है लेकिन रात उनके लिए सबसे दुखदायी हो जाती है। और निश्चित रूप से गोरखपुर, चाहे बहराइच हो, चाहे फिर बस्ती हो, चाहे आसपास के तमाम जो जिले हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि पूरी तरीके से जो नेपाल के या पानी जो छोड़ता है उसकी वजह से, और फिर कहीं ना कहीं लगातार जो मौसम की करवट बदली है, लगातार मानसून की वजह से जो नदियों का जो जलस्तर है वो पूरी तरीके से बढ़ रहा है और खतरे के निशान तक पहुंचा है, और घाघरा तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नदियों के जलस्तर के बढ़ने की वजह से और लगातार बाढ़ के कहर की वजह से लोग किस तरह से ग्रामीण परेशान है और उनकी परेशानियां साफ नजर आ रही हैं। फिलहाल कुछ जगह प्रशासन जरूर पहुंच करके मदद कर रहा है, लेकिन तमाम ऐसे जगह हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जहां प्रशासन की मदद अभी तक नहीं पहुंची है और जो वहां के ग्रामीण हैं वो किसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जी सुशील, अगर बात की जाए, आपने जानकारी दी कि प्रशासन जो है कई जगहों पर मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उन जगहों के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है जहाँ तक प्रशासन अभी तक नहीं पहुँच पाया है? सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ी परेशानी निकल कर सामने आ रही है, काफी ज्यादा किसानों को भी देखिए नुकसान हुआ है और बाढ़ है, ऐसे में जो गरीब तबका है उसे, और कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि उनके घर से लेकर वो तमाम बीच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, ये त्रासदी कोई एक साल का या एक दिन का नहीं है, हर साल इसी तरीके से वो ग्रामीण त्रासदी झेलते हैं और प्रशासन की जो मदद है वो शायद उन तक नहीं पहुंच पाती, पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है और पूरा समय बीत जाता है। ऐसे में वो जो ग्रामीण है वो किसी तरीके से, मैंने बताया कि जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, किसी तरीके से अपने और अपने परिवार के साथ साथ वो जो पशु हैं उनकी सुरक्षा करते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे करके किसी तरीके से जो है पूरे समय को काटते हैं और अपनी जान को बचाते हैं, लेकिन प्रशासन की मदद वहां तक नहीं पहुंच पाती है। सरकारी नाव मिलता भी है तो वो भी गिना चुना मिलता है, ऐसे जगह मिल जाता है जहां उनको फोटो खिंचवा करके वो जो नाव दे दिया जाता है, उसके बाद उनकी खाना पूर्ति कर दी जाती है। जानकारी देने के लिए तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि आलोक कुमार में कोरोना की पुष्टि हुई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,233 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 67 लोगों की मौत हुई है, तो यूपी में संक्रमित की संख्या 2,25,632 पहुंच गई है। कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आलोक कुमार में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि लगातार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,233 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 67 लोगों की मौत हो गई है और इन आंकड़ों का बढ़ता इजाफा स्थिति को गंभीर बना रहा है। यूपी में संक्रमित की संख्या 2,25,000 से ज्यादा हो चुकी है और कोरोना से जुड़ी ताजा अपडेट भी हम आपको बता रहे हैं। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें कि आलोक कुमार में कोरोना की पुष्टि हुई है और इसी कड़ी में यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,233 मरीज सामने आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 6,233 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में वैश्विक महामारी की चपेट में आकर कुल 67 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 54,000 को पार कर गई है। रविवार को प्रदेश में 6,233 नए मामले सामने आए थे और इसमें से 1,67,000 अगर हम मामलों की बात करें
तो वो निकल कर सामने आए हैं और नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमित की संख्या 2,25,632 पहुंच गई है। इसमें से 1,67,543 लोग इलाज के बाद पूरी तरीके से ठीक हो गए। राज्य में कोरोना मरीजों का जो रिकवरी रेट है 74.25% है। लखनऊ में आज सबसे ज्यादा 999 मरीज मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें बनारस में 215 है, नोएडा में 107 मरीज मिले हैं, जिसके बाद यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 2,25,632 तक पहुंच गई है। साथ ही हम आपको तीन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए लखनऊ में 999 मरीज मिले हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जय, आपसे जानकारी चाहेंगे, ताजा अपडेट क्या है? लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आपको बताया अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ में लगातार कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में 999 केस, मतलब मान सकते हैं लगभग 1000 केस बीते 24 घंटे में लखनऊ से ही निकल के सामने आया। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है। वहीं अगर हम जो संक्रमित है संक्रमितों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश से 6,235 कुल जो संक्रमित मरीज निकल के सामने आए। तो एक चिंताजनक बात है कि लगातार जिस तरह से सरकार वीकली लॉकडाउन भी लगाया गया था, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद तमाम हिदायतें भी लोगों को दी जा रही हैं कि 2 गज और मास्क भी लगा के रखे हैं, तमाम सख्ती के आदेश भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार जो है वो कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो इजाफा है दिन पर दिन सैकड़ों में बढ़ता जा रहा, तो एक ये चिंताजनक बात है। हालांकि इसको लेकर के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी काफी गंभीर हैं इसको लेकर के। जगह जगह वो जो निरीक्षण भी कर रहे हैं, जगह जगह बैठ के कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में, तो लगातार जो कोविड हॉस्पिटल है उनको भी बढ़ाने की कवायद कर रहे हैं। लगातार कोविड हॉस्पिटल का जो निर्माण उद्घाटन है वो भी कर रहे हैं कि मरीजों को जो वहां पर शिफ्ट किया जा सके, जो लगातार तादाद बढ़ती जा रही है तो मरीजों को समस्या ना हो उसको देखते हुए L1 हॉस्पिटल, L2 हॉस्पिटल और L3 हॉस्पिटलों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। लेकिन ये चिंताजनक बात है कि जिस तरह से जो कोरोना का जो रफ्तार है वो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी तेजी में देखने में आया है। खाली लखनऊ में ही बीते 24 घंटे में 999 केस। बिल्कुल जी, और यही आंकड़ा कहीं ना कहीं स्थिति को चिंताजनक बनाता है। देखिए अगर 24 घंटे में 1000 के लगभग मामले सामने आ रहे हैं तो अभी भी चिंता का विषय है। अब बिल्कुल ये गंभीर विषय है और चिंता का विषय है, इस पे लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि अब कल से अनलॉक पार्ट 4 की शुरुआत भी हो जाएगी और गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है जिसमें तमाम चीजों को लेकर के छूट भी दी गई है। जैसे कि अभी फिलहाल जो स्कूल और सिनेमाघरों को छूट नहीं दी गई है, लेकिन अब मेट्रो सेवा भी 6 तारीख से शुरू हो जाएगी। भीड़ और बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अब स्थिति चिंताजनक और होने वाली है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब सचेत होने की भी आवश्यकता है। जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया जय तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच अंबेडकर नगर से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अंबेडकर नगर से, जहां अंबेडकर नगर में महिला पर टूटा है दबंगों का कहर। आपको बता दें कि आपसी विवाद में महिला को बुरी तरीके से पीटा गया है, वही महिला की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। मामले में अकबरपुर पुलिस की उदासीनता भी दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले का वीडियो भी निकलकर सामने आया। साथ ही आप ये वीडियो देखिए, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दबंग है महिला को पीटते हुए दिखाई दे रहे, डंडों से यहां पर महिला की पिटाई की जा रही है। महिला यहां पर गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कितनी बुरी तरह से उसको पीटा जा रहा है तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगाइए उसके दर्द का। तो महिला पर दबंगों का ये कहर और ये वीडियो वायरल हो रहा है काफी ज्यादा। महिला पर दबंगों का ये कहर टूटा है, लाठी डंडों से यहाँ पर पिटाई की गई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन सब तमाशबीन बने हुए हैं और महिला पर डंडों की बौछार की जा रही और जमीन पर गिरकर ये महिला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दबंग उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहे हैं। तस्वीरें आपके साथ। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है?
जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें अकबरपुर कोतवाली का काशीराम आवास है, जहाँ पर वहाँ के कुछ दबंग हैं जो लगातार शिकायत भी उनकी कोतवाली में होती रही है। तो वो महिला को उसको जाते हैं और महिला को बुलाते हैं और महिला की शिकायत करते हैं, क्योंकि उसमें लगातार वो महिलाएं भी उनकी शिकायत कर रहे थे कि यहाँ विवाद हो रहा है, यहाँ यहाँ लोग अश्लीलता करते हैं। उसकी शिकायत के बाद इन दबंगों ने जाकर वहाँ पिटाई की और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जी संदीप, वजह क्या कुछ बताई जा रही है? बिल्कुल, वजह इसकी यही है, लगातार जो महिलाएं वो शिकायत करती थी कि ये लोग छेड़खानी करते हैं, ये लोग कॉलोनी में आते हैं, लगातार बदतमीजी करते हैं, कहीं ना कहीं उनका संरक्षक पुलिस वालों से बताते हैं कि सब भीड़ है, दो पुलिस वाले पहले इनके साथ आते थे, अब वो तो नहीं आए, लेकिन इनकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन कोई पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, इसकी आखिरी वजह मारपीट हो गया। संदीप, बिल्कुल जैसे कि आपने जानकारी दी कि ये लोग महिला से छेड़खानी करते थे, उसके बाद महिला के साथ मारपीट भी की गई है, लेकिन वहां पर हम तस्वीरों में भी अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि आसपास भी लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वो एक काशीराम आवास कॉलोनी, उस कॉलोनी में काफी भीड़ रहती है, वहाँ के लोग भी, लेकिन वहाँ पर किसी ने क्योंकि वो दबंग इतने उनको बताते हैं वहाँ के, उसने दबंगा इतनी ज्यादा है कि वो लोग कुछ खिलाफ कोई बोल नहीं। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, तस्वीरें भी निकल कर सामने आ गई है, सबूत बिल्कुल सामने है कि किस तरीके से दबंग महिला को पीट रहे हैं, तो ऐसे में इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, अभी तक पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, महिलाएं लगातार इससे पहले भी शिकायत कर चुकी हैं, अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एसपी को जांच कर रहा है, एसपी की जांच सीओ के द्वारा करवा रहे हैं। संदीप, काफी लंबे वक्त से इनका, बिल्कुल चलिए शुक्रिया, संपर्क टूट गया है तो आपको बता दें, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, महिला पर टूटा है दबंगों का कहर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिला की पिटाई की जा रही है। चलिए अब रुक करेंगे इसी बीच रायबरेली से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां पर रायबरेली की लालगंज कोतवाली में युवक की संदिग्ध मौत हुई है, तो लालगंज थाना प्रभारी हरिशंकर प्रजापति निलंबित किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, युवक को परिजनों ने हाईवे किया है जाम, तो युवक के परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया है, बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था युवक, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है युवक की। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, रायबरेली की लालगंज कोतवाली में युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हुई है, और साथ ही प्रभारी हरिशंकर प्रजापति को निलंबित भी किया गया है, युवक के परिजनों ने हाईवे पर जाम किया है, और जब जाम करते वक्त उन्होंने ये मांग रखी है, तो देर रात तक लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसके चलते युवक के परिजनों ने रात भर जाम किया, लालगंज थाना प्रभारी हरिशंकर प्रजापति को निलंबित भी कर दिया गया है। शिव प्रसाद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिव प्रसाद क्या कुछ जानकारी? प्रीति, हम बता रहे हैं कि ये मामला पिछले 3-4 दिनों से चल रहा था, पुलिस मोटरसाइकिल की चोरी में इनको, दो भाई हैं ये मोहित जो मृतक है, इनको ले आई थी, एक भाई को तो पहले छोड़ दिया था, फिर इसको 3 दिन से लगातार, जैसा इनके परिजन बता रहे थे, पुलिस वहीं कोतवाली में रखी हुई थी, उसके बाद ये अचानक कल जो है इसकी मौत हो गई, मौत बता रही है पुलिस, बता रही है कि अस्पताल में हुई है, बीमार हो गया था, लेकिन उसके बाद जो पूरा आरोप ग्रामीणों और इनका लगा कि पुलिस की पिटाई से इसकी मौत हो गई है। मौत होने के बाद ये दिन भर कल हंगामा चलता रहा और रात भर चलता रहा, पहले तो परिजनों ने उस पर आरोप लगाया जो दरोगा और पुलिस उनको लेके आई थी, कि फिर इसके बाद और तमाम विपक्षी दल भी आ गए, नेतागिरी भी हुई, राजनीति मामला लोग जुड़ गए, इसके बाद रायबरेली जो पुलिस अधीक्षक हैं और कलेक्टर हैं यहाँ के जिला अधिकारी, वो मौके पर पहुंचे और रात में ही FIR लिखी गई है उनकी, जो तहरीर उन्होंने दी है, और थाने के जो कोतवाल हैं, जो प्रभारी हैं और तमाम जो आ रहे हैं, उन पर पुलिस अपना शिकंजा जो है कस रही है। बिल्कुल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मौत पर यह हंगामा देखने को मिला है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। आई नीड अ क्लीन घर, हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स,
इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। बाहर आने जाने वाले हर चार लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आए। जिंदगी में हर चीज का विकल्प है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे, आखिरी बूंद आईटीवी नेटवर्क की मुहिम। लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट akhribund.com और अपने विचारों को साझा करें। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सुप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बीजेपी विधायक पर लगे यौन शोषण मामले में उत्तराखंड कांग्रेस का हल्ला बोल, विधायक पर कोई कार्रवाई ना होने पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, राज्य सरकार पर विधायक को बचवाने का आरोप। खुद पर लगे आरोपों पर बोले बीजेपी विधायक महेश नेगी, महिला का नार्को टेस्ट कराने की मांग, आरोप लगाने वाली महिला महेश नेगी के डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़ी। उत्तरकाशी में पुरोहितों का प्रदर्शन जारी, 67 दिन से देवस्थानम वोट कर रहे हैं विरोध, सरकार को दी चुनौती। मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार भूस्खलन, बाधित हुए कई रास्ते, प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला रास्ता। उत्तराखंड में कोरोना के 19,235 मरीज, इस समय 5,912 एक्टिव केस, अब तक 13,004 लोग कोरोना से हुए ठीक, 257 लोगों की मौत। We'll be right back.
स्वागत है आपका। आप देखें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आखिरी दिन है। सुबह 10:30 बजे गोरखनाथ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ के लिए होंगे रवाना। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर। सूबे के 690 गांव बाढ़ से प्रभावित। अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच बाढ़ प्रभावित। बलिया, बाराबंकी, बस्ती, गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित हैं और प्रदेश में 373 बाढ़ शरणाले हैं। जौनपुर में पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया है सामने। पुलिस ने महिला और उसकी लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। घायल अवस्था में महिला अपनी लड़कियों के साथ पहुंची एसपी ऑफिस। पीड़ित ने पुलिस वालों पर पैसा मांगने का लगाया आरोप। लखनऊ में 10 दिन पहले रेलवे ट्रैक के किनारे गंभीर रूप से घायल मिले युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पीजीआई थाना क्षेत्र में युवक पर हुआ था जानलेवा हमला। हमलावरों की तलाश में सरगर्मी से जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कांचीराम आवास में आपसी विवाद में महिला को दबंगों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर चौराहे पर गेल कंपनी द्वारा बिछाई जा रही एलपीजी पाइपलाइन हाइड्रो टेस्टिंग के दौरान फट गई है। इस दौरान उड़ी गिट्टी की चपेट में आकर वहां से गुजर रहे 3 व्यक्ति घायल हुए। घटना की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। सहयोग अच्छा था कि उस पाइप से गैस सप्लाई चालू नहीं था, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। रायबरेली की लालगंज कोतवाली पुलिस बाइक चोरी के मामले में पकड़े गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव कर हाईवे जाम कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को लाठी भाज कर सड़क से जाम खुलवाया। लालगंज कोतवाली पुलिस क्षेत्र के बेहटा कला गांव के सोनू और उसके भाई मोहित को कई दिनों पहले बाइक चोरी के आरोप में पकड़कर लाई गई थी और पुलिस ने सोनू को छोड़ दिया है जबकि उसके भाई मोहित को नहीं छोड़ा है। पुलिस पर आरोप है कि मोहित की लगातार पिटाई की गई है जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली आगरा रेल ट्रैक पर हादसा। सरिया लेकर जा रही मालगाड़ी हुई है डिरेल। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। आगरा से दिल्ली जा रही थी मालगाड़ी, काफी दूर तक क्षतिग्रस्त हुआ है ट्रैक। वृंदावन रोड के पास ये हुआ है ट्रैक। नोएडा में सेक्टर 39 पुलिस ने मासूम बच्ची की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लड़की से शादी न करने पर उसके 7 साल के मासूम भाई की थी हत्या। जबरदस्ती अपने पड़ोस की युवती से करना चाहता था शादी। गाजियाबाद में पीएफआई का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। राजस्थान से हुई परवेज अहमद की गिरफ्तारी। 20 दिसंबर को गाजियाबाद के मुराद नगर में हुआ था बवासी। एनआरसी को लेकर हुआ था बवाल। बवाल में परवेज अहमद की मुख्य भूमिका। बलिया में मनियरियो मणि मंजरी राय सुसाइड केस। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए बड़े सवाल। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बलिया मणि मंजरी मामला। लखनऊ में बीजेपी नेता की खुलेआम दबंगई। सड़क निर्माण में लगे लेबर और ठेकेदार को जमकर पीटा। फावड़ा और धारदार हथियारों से लेबरों पर किया हमला। लेबर और ठेकेदार को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंटोजा से बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हुए राजू कश्यप। दबंगई के चलते सरकारी काम किया गया बंद। कानपुर में घरेलू सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर में लीकेज की वजह से लगी है आग। जलता सिलेंडर युवक ने फेंका घर से बाहर। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। सुल्तानपुर में दो पक्षों की विवाद में चली है गोली। विवाद में तीसरे युवक को लगी है गोली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। गोली मारने वाला युवक मौके से गिरफ्तार।
भदोही में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई, जबकि रिश्तेदार गंभीर हैं, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टरों ने बनारस रेफर कर दिया। लखनऊ के मोहनलालगंज में आपसी विवाद में कई राउंड फायरिंग और मारपीट, मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल। पीलीभीत में महिला समेत दो बच्चे नदी में डूबे हैं, शौच के लिए गए थे नदी के किनारे, पुलिस और प्रशासन मौके पर, गांव में छाया मातम। पीलीभीत की सिविल लाइन पुलिस चौकी के इंचार्ज सुभाष चंद्र का मानवीय चेहरा सड़क पर देखने को मिला है, जहां पर चेकिंग के दौरान दरोगा ने एक राहगीर को बहरेवे से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंचा 36,19,000 के पार, पिछले 24 घंटे में 79,457 नए कोरोना के केस आए सामने। देश में कोरोना से अब तक 27,72,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं अब तक 64,617 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तोड़े ही सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में मिले हैं 6,175 नए मरीज, 3,430 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत, 1,67,543 मरीज पूरी तरीके से हुए थे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे मिले 664 नए केस, अब तक संक्रमित की संख्या 19,235 है, इस समय 5,912 एक्टिव केस। चलिए अब खबरें विस्तार से और बात करेंगे यौन शोषण मामले में। आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे हैं यौन शोषण के आरोप, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। विधायक पर कई कार्रवाई ना करने पर यह हल्ला बोला जाएगा, किसी तरह की फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य सरकार पर विधायक को बचाने का यह आरोप भी लगाया जा रहा है। तो प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का यह धरना, बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, जहां यौन शोषण मामले में आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जिसके बाद विधायक पर कोई कार्रवाई ना होने पर यह हल्ला बोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह हल्ला बोला जाएगा, राज्य सरकार पर विधायक को बचाने का यह आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार जो है वो विधायक को बचा रही है, और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, यौन शोषण मामले में आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, तो बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के आरोप, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक पर कोई कार्रवाई ना होने पर यह हल्ला बोला जाएगा, कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, राज्य सरकार पर विधायक को बचाने के आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते आज प्रदर्शन, प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक महेश नेगी पर महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से ही जो सियासत है लगातार गर्मा गई है, और अब इसी कड़ी में यौन शोषण मामले में आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है इस पूरे मामले पर। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे इस पूरे मामले पर, हम देख रहे हैं कि लगातार जो सियासत है वो गर्मा गई है, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, और इसी कड़ी में कांग्रेस का प्रदर्शन। हाँ बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस ने जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है, पूरे जो प्रदेश के जनपद मुख्यालय है वहां पर कांग्रेस हल्ला बोलने जा रही है बीजेपी के खिलाफ, और जो उनके आरोप हैं बीजेपी के विधायक हैं महेश नेगी, उन पे दुष्कर्म की एक महिला ने आरोप लगाए हैं देहरादून में, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उल्टा उस महिला के खिलाफ ही विधायक के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो ऐसे में जो आरोप है कांग्रेस के वो घेरने का एक आज पूरा प्रोग्राम है बीजेपी को, कि अभी तक विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उल्टा उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और सत्ता का चुकी विधायक है और नैनीताल के द्वारहाट से विधायक है महेश नेगी, अभी तक उन्होंने भी खुल के कोई अपनी
पक्ष नहीं रखा है और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस उन्हें घेरने का यहां पर प्रयास करेगी और बीजेपी पर आरोप है कि विधायक को बचाने का विधेयक बीजेपी प्रयास कर रही है और यही वजह है कि अभी तक पुलिस प्रशासन ने ना तो उनकी गिरफ्तारी की है और न ही विधायक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो पाई है। तो इसी मामले को लेकर आज कांग्रेस घेरने जा रही है बीजेपी को और पूरे 13 जनपदों के मुख्यालयों पर बड़ा धरना प्रदर्शन रखा गया है और हरिद्वार में 11 बजे चंद्राचार्य चौक पर यहाँ पर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और विधायक की गिरफ्तारी को लेकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। धर्मेंद्र, महिला ने शिकायत दी थी, उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जैसे कि आपने जानकारी दी कि फिलहाल इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, देखने में तो ये आ रहा है कि टाल मटोल चल रही है, अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई, उल्टा उस महिला के खिलाफ ही विधायक ने मुकदमा दर्ज कराया था और उसको लेके हालांकि जो सूचना मिल रही है महिला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंची है, अभी वहां भी उसकी सुनवाई होनी बाकी है लेकिन अभी विधायक के खिलाफ कोई सख्त यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 में अब यहाँ पर चुनाव होने हैं तो कोई भी छोटा मुद्दा हो या बड़ा मुद्दा हो तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उसे छोड़ना नहीं चाहती है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस उसके हाथ में बड़ा मुद्दा ये लगा है और इस मुद्दे को पूरी तरह से बुनाने की कोशिश करनी भी चाहिए और कर भी रही है। साथ में जो आप पार्टी है, जो छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों, सभी राजनीति पे उतारू हैं, कह सकते हैं कि 2022 की चुनाव भी तैयारी में जुट गए हैं और कांग्रेस ने ये मुद्दा पकड़ा है और आज पहले कुरपर्णे के खिलाफ धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था और आज जो बीजेपी के विधायक है महेश नेगी इनके खिलाफ बड़ा धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में प्रदेश जो कमेटी है उसके आह्वान पर किया जा रहा है और बीजेपी को घेरने का काम किया जाएगा, जो आरोपी विधायक है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। धर्मेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा, कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और साथ ही क्या बीजेपी विधायक महेश नेगी का कोई ताजा स्टेटमेंट सामने आया इसको लेकर? देखिए, जो अगर पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जो वहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं महानगर अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में किया जाएगा। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में पूर्व मंत्री हैं, यहाँ पर राज्य मंत्री हैं संजय पालीवाल, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही संजय अग्रवाल जो महानगर अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरे जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी तरह से पूरे प्रदेश में आह्वान किया गया है और हालांकि देहरादून में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में वहाँ जो कांग्रेसी हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसे पूरी तरह से बीजेपी पे हमलावर है इस समय कांग्रेस और ये बड़ा मुद्दा है और अभी तक जो बीजेपी विधायक हैं महेश नेगी उनके खिलाफ किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस जो अभी तक की कार्रवाई की हिलावैली देखने को मिल रही है उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऊपर से दबाव है, हो सकता सत्ता का दबाव हो, सरकार का दबाव हो, फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई उस विधायक के खिलाफ नहीं की गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इसको लेकर जो सियासत है वो गर्मा गई है तो वहीं बीजेपी विधायक महेश नेगी आरोप लगाने वाली महिला का नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो वहीं युवती विधायक महेश नेगी के डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़ी है। बीजेपी विधायक से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत किया, ये आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारहाट के विधायक महेश नेगी इस वक्त इंडिया न्यूज में मौजूद हैं। चर्चाएं गर्म हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी पर आरोप युवती ने लगाए हैं शारीरिक शोषण के और मांग की है डीएनए टेस्ट की। तो उधर महेश नेगी विधायक द्वारहाट ने कहा है कि नार्को टेस्ट युवती का कराया जाए। आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है नेगी जी। आरोपों के घेरे में आप हैं, सरकार तक भी बात पहुंच गई है, प्रदेश अध्यक्ष तो को भी आपने अपनी पूरी बात बताई है, आखिर युवती का नार्को टेस्ट क्यों? अगर पूर्ण तरीके से सच्चाई जब आनी है, पूर्ण तरीके से दुष्कर्म से लेके किस किस से ठगी आज तक हुई है, किस किस के अकाउंट में पूर्व में वो डेट हम बताएंगे विवेचना का है, उनमें पैसे गए हैं, कौन कौन लोगों को इस तरीके से पहले भी ब्लैकमेल किया गया है, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर सच्चाई अगर सामने आएगी तो नार्को टेस्ट आएगी। नार्को टेस्ट होने से दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी, द्वारहाट के विधायक, चैंपियन हैं स्पोर्ट्स के, आप डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार है? क्योंकि युवती की मांग यही है, अगर तैयार है तो कब कराएंगे? मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूँ,
जब हमने कह रखा हम हर टेस्ट के तैयार हैं, पहले आप ये तो बताओ भाई नार्को टेस्ट कराने में तुम क्यों भाग रहे हो पीछे? पहले युवती ने डीएनए टेस्ट की बात करी, आपने नार्को टेस्ट की बात आप करी, पहले कौन कराएगा? डीएनए आप करा रहे हैं पहले या युवती का नार्को टेस्ट करवाने की मांग आप पहले? मैं नार्को टेस्ट में सच्चाई जिसमें सामने आती है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जरा मैं चल रहा हूँ अभी। मैं एक सवाल मेरा और होगा अनेकी जी, 5 करोड़ की बात आपने कही है कि आपसे मांग की गई है 5 करोड़ की, आपके पास पुख्ता सबूत है, आपने इसके साथ ये भी कहा है कि मुझे ये लगता है कि इसमें विपक्ष की भी साजिश है। क्या है साजिश, क्या है आपके पास सबूत, थोड़ी जानकारी आपसे चाहेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट में पता चलेगा, सबूत हमारे पास पूर्ण सबूत है, पूरी चैटिंग हुई है, चैटिंग के पूरे सबूत हमने पेश कर दिए गए हैं। जब वो सबूत हमारे पास पूरे हैं, सब कुछ हैं, तो पता कैसे चलेगा कौन कौन इसमें है? जब नार्को टेस्ट होगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ का पता चल जाएगा। आपकी लोकप्रिय छवि है, द्वारहाट की जनता और उत्तराखंड की जनता आपको जानती है, राष्ट्रीय चैंपियन भी आप हैं, क्या शारीरिक संबंध थे आपके युवती के साथ या नहीं थे? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो असली मुद्दा है आप उससे भटकते हुए कहीं दूसरी जगह इस बात को मोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं मोड़ नहीं रहा हूं, मैंने कहा बताइए, आप मेरे को एक चीज बता दीजिए बस, केवल क्यों नहीं नार्को टेस्ट हो रहा है, क्यों वो पीछे हटने का काम कर रही है, क्यों जो उन्होंने डीएनए करा रखा है वो डीएनए मेरे सामने लाया जा रहा है, क्यों वो डीएनए के बारे में कोर्ट में बताया क्यों नहीं जा रहा कि हाँ ये डीएनए सत्य है, ये है कहाँ के डीएनए कराया गया, उसकी सब कागज आ रहे हैं, क्यों ना बाल आयोग को प्रॉपर तरीके से वहां जाना जाया जा रहा है, क्यों महिला आयोग में नहीं जा रहा है, या बहुत सी चीजें। मैं आपकी सारी बातों को जान रहा हूं, मैं सिर्फ ये जान रहा हूं आपके शारीरिक संबंध थे या नहीं थे। मैं इस मामले में विवेचना चल रही है आपको। तो महेश नेगी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में विवेचना चल रही है, उत्तराखंड की सियासत में हल्ला भी है, पूरा मामला गरमा रखा है। इनका साफ तौर से कहना है कि विवेचना चल रही है, पूरा मामला पुलिस प्रशासन को बताऊंगा, लेकिन युवती का भी अपना कहना है, युवती ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, और महेश नेगी कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए और मैं भी हर टेस्ट के लिए तैयार हूं। सुभाष गौड़ के साथ रतन नेगी, देहरादून। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते, बात करेंगे उत्तराखंड में कोरोना के 19,235 केस सामने आ चुके हैं, इस समय 5,912 एक्टिव केस है। लगातार कोरोना का कहर उत्तराखंड में भी जारी है, अब तक 13,004 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कोरोना से अब तक 257 लोगों की मौत हुई है, यानी कि तेजी से आंकड़ों में इजाफा यहां भी देखने को मिल रहा है। देश दुनिया के साथ प्रदेश में भी इसका असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 19,235 केस है, इस समय 5,912 एक्टिव केस है, तो अब तक 13,004 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कोरोना से जुड़ी इस वक्त की, 257 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन रिकवरी रेट की अगर हम बात करें थोड़ा पहले से बेहतर जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति अभी भी चिंताजनक और गंभीर बनी हुई है, क्योंकि आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 19,235 केस सामने आए हैं, तो इस समय 5,000 से ज्यादा अगर हम केसेस की बात करें तो लगभग कोरोना से अब तक 257 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के 19,235 टोटल केस, बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बरकरार, तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही है। अब तक 13,400 कोरोना से पेशेंट ठीक हो चुके हैं, कोरोना से अब तक 257 लोगों की मौत हो चुकी है, उत्तराखंड में कोरोना का कहर बरकरार है, महामारी तेजी से फैल रही है और आंकड़ों में बढ़ता इजाफा स्थिति को गंभीर बना रहा है। तो इस समय 5,912 एक्टिव केस है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी, ताजा अपडेट क्या है? जो आंकड़ा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, चाहे देहरादून की बात हो, हरिद्वार की बात हो, या हम कह सकते हैं हल्द्वानी की बात हो, लगातार ये मामला लगातार बढ़ रहा है और सरकार इस मामले में लगातार लोगों को कह भी रही है कि आप सतर्क रहिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि ये आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है, इसकी जानकारी ये मिली कि सितंबर के माह ये आंकड़ा उत्तराखंड में 25,000 को छू सकता है। रविवार की हम बात करें तो 664 कोरोना संक्रमण के नए मामले निकल कर आए हैं। अब तक उत्तराखंड में टोटल 257 मरीजों की मौत हो चुकी है, हालांकि स्वास्थ्य महकमे ने अन्य कारण भी बताया है। वहीं अगर बात की जाए तो सबसे अधिक कल जो मामले निकल कर आए 183 मामले कोरोना पॉजिटिव के उत्तम सिंह नगर से आए हैं। देहरादून में कल कोरोना संक्रमण के 120 मामले थे, आज तक संक्रमितों की संख्या है वो 19,235 पहुंच गई है, तो 13,004 लोग ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में जो संक्रमितों की संख्या
है वो 19,235 तक है, इनमें 13,400 मरीज ठीक हो चुके हैं, 7,203 सैंपल लिए गए थे कल वो नेगेटिव यहाँ पर आए हैं। हरिद्वार में 126, उधम सिंह नगर में 183, चमोली में 24, नैनीताल में 39, टिहरी में 26, पौड़ी में 20, अल्मोड़ा में 27, तो पिथौरागढ़ में 36 और उत्तरकाशी में 46। तो हम कह सकते हैं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, चाहे वो देहरादून का मैदानी क्षेत्र हो, मैदानी उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, रुड़की हो, या फिर हम बात करें पहाड़ हो, पहाड़ की अगर हम बात करते चाहे पौड़ी हो, टिहरी हो, नैनीताल हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, यहाँ लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकल कर आ रहे हैं। उम्मीद ऐसा लग रहा है जैसे ये लगातार जो आंकड़े अब पिछले 10 दिनों की बात की है तो कभी 400 मामले, कभी 500, कभी 600, कभी 664 मामले निकल कर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा है ये 25,000 को जल्दी छूने वाला है। सरकार की तरफ से एहतियात भी लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार जो सैंपलिंग है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आंकड़े जो है ये लगातार चिंताजनक है जो बढ़ रहे हैं। रतन, अगर बात की जाए क्या ये कहा जा सकता है सीधे तौर पर तमाम जो छूटें दी गई हैं और अब अगर हम बात करें तो अनलॉक 4 जो है उसकी गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता की लापरवाही सामने आ रही है और उनका सहयोग, उनकी भागीदारी यहां पर दिखाई नहीं दे पा रही। रतन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, पहला मामला उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का जो आया था वो 15 मार्च को आया था और उसके बीच अगर हम बात करें तो अप्रैल के महा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का बयान आया था कि यदि हम बाढ़ से प्रभावितों को लेकर आते हैं तो ये जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमण का वो उत्तराखंड में 25,000 को छू सकता है। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है, वहीं देहरादून की अगर हम बात करें तो 3 दिन और बंद रहेगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया गया था बीजेपी कार्यालय और साथ ही प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने इस बात की जानकारी दी है, यानी कि आज ही खोला जाना था बीजेपी प्रदेश कार्यालय लेकिन 2 सितंबर तक अब बीजेपी कार्यालय बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त, जहां अब 2 दिनों तक बीजेपी कार्यालय बंद रहेगा, 3 दिन और बंद रहेगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय। आज खोला जाना था लेकिन आज नहीं खुलेगा, अब 2 सितंबर से खोला जाएगा। सैनिटाइजेशन के लिए इसको बंद किया गया था और प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी, अभी 3 दिन तक बंद रहेगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कोरोना संक्रमण यहाँ पर पाए गए थे, उनके कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद जो है जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, इस बैठक को यहाँ पर टाल दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अब प्रदेश अध्यक्ष कोरोना संक्रमण है वो अस्पताल में भर्ती है। साथ ही उनके चर्च में कई लोग यहाँ पर आए थे, उनका गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम चल रहा था या कुंवर फडणवीस कैंपेन की जब भाजपा वापसी कराई थी तो उस दौरान भी कई भाजपा के कार्यकर्ता, नेता और राज्य सरकार के सदस्य वहाँ पर मौजूद थे जो इस वक्त आइसोलेशन में है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है उसको भी यहाँ पर 3 दिन के लगातार बंद कर दिया गया है क्योंकि लगातार जब गृह प्रवेश था बंशीधर भगत का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है या फिर कुंवर फडणवीस चैंपियन की भाजपा में वापसी, उसके मतलब बजीन बलवीर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। धन्यवाद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।